चतरा के टंडवा में संचालित शिवपुर रेलवे साइडिंग के नेक लाइन गरगड़ा साइडिंग में आपसी वर्चस्व जमाने को लेकर दो खेमे में लोग बट गए, जिसको लेकर साइडिंग के आसपास गांव के लोगों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलन सह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण हरगड़ा साइडिंग में पिछले एक सप्ताह से कोयले की डिस्पैच और रैक लोडिंग का कार्य पूरी तरह से बाधित है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि उक्त साइडिंग में स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखा गया है। साइडिंग में मूल रैयतों की जगह पर बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। आंदोलन में शिवपुर साइडिंग के विस्थापित रैयतों के साथ साथ आसपास के गाँव के लोग भी शामिल हुए। या जो दो खेमा में जो बटे हुए हैं, सबसे पहले उन लोग 2021 में काम कर रहे थे, जिसमें 3 आदमी के नाम से वर्क ऑर्डर है। उन लोग मोटा मोटी 4-6 आदमी, उन लोग जो दबंग टाइप के थे, वही लोग काम करते थे। 17 रेक उन्होंने भेजा और रैयत को ठकने का काम किया था, जो कि साइडिंग में भी काम करवा के उन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर काम जो है सो हम लोग लाए, उसके बाद काम हम आज 2021 के बाद से हम जो काम लगातार कर रहे हैं। और यहाँ के जितने भी रैयत विस्थापित या प्रभावित हैं, उन लोगों को भी काम दिए हुए हैं, जो कि आज भी देखने में नज़र आ रहा है। रोजगार अभी फिलहाल 80 मिल गया है। हम यहाँ के स्थानीय युवा हैं, हम यहाँ रोजगार कर रहे हैं। लगभग सभी को अच्छे से पेमेंट भी दे रहे हैं और हम लोग लगभग 80 घर का यहाँ से रोजी रोटी चल रहा है। मेरे हिसाब से तो कुछ युवा लड़का वैसा तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरे दूसरे मोहल्ला से आके बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर का लड़का लोग है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर के लड़का लोग हैं। बाकी ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ युवा लड़का कोई है। बाहरी लोग हैं, अपना रोटी सेकने के लिए हैं। 2-4 गो को फोड़ फाड़ के मोहल्ला से अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। इस साइडिंग से एक रैक निकलता है